अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार? यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। अडंगकेल नाम तो आपने सुना होगा ज़रूर। तो यार ये मेरी फेवरेट प्लेस है। तकरीबन मैं यहाँ पे चौथी पांचवी मरतबा आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इस साइड पे सारे नीचे बादल आए हुए हैं ये दरख्तों के पीछे। तो यहाँ पे यार अभी नेचर का जो मज़ा आ रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते होंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो कि पिछले तीन व्लॉग आपने देख लिए होंगे कि तीन दिन चार दिन से तकरीबन यहाँ पे बारिश हो रही है। आगे इससे पिछला व्लॉग हमने बनाया था ताऊबट का, वो भी आउटस्टैंडिंग व्लॉग बना है। आप वो भी व्लॉग देखें अगर आप, बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरी आप कश्मीर सीरियल फॉलो करें। तो ये आज का फिर हमारा व्लॉग है अडंगकेल के बारे में। अडंगकेल मेरी सबसे फेवरेट जगह। तो अडंगकेल को हम एक्सप्लोर आज करते हैं। उसके बाद जी हम जो नेक्स्ट प्लान है हमारा, यहाँ से आज इंशाल्लाह हम जो है ना कोई थोड़ी देर तक निकल जाएंगे अडंगकेल से, क्योंकि हम सुबह से इंजॉय कर रहे हैं अडंगकेल में। वेदर भी बहुत खूबसूरत है, नाश्ता हमने कर लिया है। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे कुंडलशाही वाटरफॉल, और उसके बाद हमारा जो फाइनल प्लान है वो है मुजफ़्फ़राबाद का। नाइट हम मुजफ़्फ़राबाद में स्टे करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा व्लॉग हमारा वो इंशाल्लाह पीर चिनासी के ऊपर होगा। तो चलिए फिर अभी अडंगकेल को हम एक्सप्लोर करते हैं मिल। दोस्तों हम अडंगकेल के जंगल में भी पहुंच गए हैं। तो यहां से थोड़ी सी हमारी हाइक रह गई, आगे हम ग्लेशियर तक इंशाल्लाह जाएंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा, अभी आप देखें कि ये हम छतरा इसको कह सकते हैं आप। हम किसी होटल वाले का, जिसके पास हमने नाइट स्टे किया था, उसका हम जो है ना ये छतरा लेके आगे घूमने फिरने के लिए आ गए। हम अपनी छतरियाँ साथ में लेके आए थे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि बारिश रास्ते में मिल सकती है। तो बाकी तो सारा बंदोबस्त था, लेकिन बस छतरी नहीं थी, तो छतरी के बजाय हमने छतरा ले लिया अभी। तो अभी आगे चलते हैं ग्लेशियर तक। आ जाओ। अच्छा यार, हम अडंगकेल का जो जंगल बना हुआ है उसको हम क्रॉस करके अभी हम बिल्कुल ग्लेशियर के पास पहुंच चुके हैं। ये पहले मैदान आता है, और मैदान के बाद फौरी इसके बाद ग्लेशियर आता है। तो ग्लेशियर अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम बिल्कुल बादलों में भी आ गए हैं। ये सारे बादल हैं, और ये जो आपको धुंध सी नज़र आ रही है, बेसिकली धुंध नहीं है, ये सारे बादल हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा मौसम खुल जाए। अगर मौसम ना खुला तो यार ग्लेशियर नज़र नहीं आएंगे फिर मेन जो है। बाकी जहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट होते हैं वहाँ तक तो इंशाल्लाह हम पहुँचते हैं।
फाइनली जी अड़ंग केल के ऊपर ग्लेशियर तक हम पहुंच गए हैं। ग्लेशियर के ऊपर जो है ना बड़े पत्ते छत्ते गिरे पड़े हैं और नीचे बर्फ़ बिल्कुल साफ़ होती है और ये पिघलता है असल में नीचे से पिघल पिघल के जो है ना पानी फिर जाता रहता है। अभी तो ये एंड हुआ पड़ा तकरीबन, तो बारिश तो यार रुकने का नाम नहीं ले रही। और मेरे सामने जो यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है ना आउटस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से टूरिस्ट तो यहाँ तक आते ही नहीं होंगे जितना हम सफ़र ऊपर हाइक करके आए हैं। टूरिस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो अड़ंग केल विलेज से पीछे मुड़ जाते हैं और या थोड़ा सा आगे जंगल तक आते हैं, बस यहाँ तक नहीं आते। यहाँ से आपको जो व्यू नज़र आता है ना सामने आपके, बहुत आउटस्टैंडिंग जो है ना सीनरी नज़र आ रही है। और ऊपर बादल आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल बादल है जो जिनके पास कभी ये नीचे आ जाते हैं कभी ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अड़ंग केल तक। तो यहाँ से फिर अभी हम जो है ना कुछ देर स्टे करने के बाद, ज़्यादा देर स्टे भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके सामने बारिश पड़ रही है और हम भीग रहे हैं। तो आप आएँ इंजॉय करें और नहीं आ सकते तो फिर हमारे साथ मिल के करें। अच्छा जी, हम शारदा आ गए थे तो ये भाई मिले हैं हमें, मुल्तान से आए हुए हैं ये शारदा। बड़े ही खूबसूरत और माशाल्लाह खुश अखलाक हैं। तो यहाँ पे हमें रोका गया भाई ने, रोका है नाका लगा हुआ। तो भाई ने कह रहा था हमने आपको ताऊबट देखा है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी हम जो है ना यूनिवर्सिटी है, हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी शारदा की, तो वहाँ पर पहुँचे तकरीबन